देखो बेटा आज का जो टॉपिक है मेन, तो ये टॉपिक आपका कैपेसिटर और कैपेसिटेंस मेन टॉपिक है, ये कैपेसिटर और कैपेसिटर कैपेसिटेंस। कैपेसिटर तो डिवाइस है और कैपेसिटेंस उसकी एबिलिटी है। ये बेटा आपने देखे होगा ये फैन है, कोई भी डिवाइस बेटा इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस है उसके अंदर शुरू शुरू में हर एक चीज को चलने के लिए क्या चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए हर एक चीज को शुरू में चलने के लिए। जो कैपेसिटर कई बार जैसे ट्यूबवेल चलाने जाते हैं बाहर तक लेगा कनेक्शन लेगा जाओ नो कनेक्शन लीजिए स्टार्टर पर लगा देता लो लगाएगा ना फिर स्टार्ट में दबा दें वो क्या देता है उसको एक्स्ट्रा एनर्जी, क्या देगा बेटा वो एक्स्ट्रा एनर्जी देता है। तो इसका मतलब है कैपेसिटर एक छोटा हा डिवाइस होता है, इससे छोटा हो सकता है, इससे छोटा चौक से छोटा एक छोटा हा डिवाइस लेकिन अपने अंदर क्या होता है वो ज्यादा एनर्जी स्टोर करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चार्ज स्टोर करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो उसकी फॉर्म में वो चार्ज को स्टोर करता है अपने अंदर। तो जो कैपेसिटर में बेटा कैपेसिटर क्या है एक एक अरेंजमेंट है एक ऐसा डिवाइस है, ये डिवाइस विच यूज टू स्टोर द लार्ज अमाउंट ऑफ द चार्ज इनसाइड ए स्मॉल रीजन। क्या है कैपेसिटर बच्चों, एक डिवाइस, ए डिवाइस या फिर क्या होगा एन अरेंजमेंट एंड अरेंजमेंट टू स्टोर लार्ज अमाउंट, यस टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी या चार्ज, लार्ज अमाउंट ऑफ द चार्ज या फिर एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ द चार्ज या एनर्जी, ठीक है, किसके अंदर इन स्मॉल स्पेस, इन स्मॉल स्पेस या स्मॉल रीजन, दैट इज कॉल्ड द डिवाइस इज कॉल्ड कैपेसिटर। इसका नाम क्या है कैपेसिटर, और कैपेसिटर का आइडिया और ये टॉपिक क्यों ना देगा फैराडे, किसने दिया था बेटा फैराडे, फैराडे ने दिया था, इसीलिए जो कैपेसिटर को मापने के ये था कितना चार्ज कौन कितना चार्ज स्टोर कर सकता है तो उसकी जो इकाई बनी थी वह क्या बनी थी फैराडे, क्या बनी थी फैराड बनी थी, क्या बनी थी बेटा फैराड एफ बनी थी फैराड। आप देखिए क्या बोल रहा बेटा इसमें कि कैपेसिटर जो क्या होता है बेटा, एक कैपेसिटर कंसिस्ट टू कंडक्ट, देखिए कैपेसिटर में क्या होता है मोस्टली कैपेसिटर कोई भी कैपेसिटर देखो बेटा ये दो मेटलिक प्लेट होती है, क्या होती है कैसी होती है मेटलिक प्लेट, पहली मेटलिक प्लेट होती है, ठीक है, तो क्या होता है इसमें ये मेटलिक प्लेट है इसको हम क्या देंगे प्लस का चार्ज, क्या देंगे प्लस का चार्ज, जितना प्लस का चार्ज देंगे तो बेटा आप समझ पड़ रहे क्या ये जो चार्ज है इसके ऊपर क्या जगह, ठीक है जी क्लियर है। अब प्लस का चार्ज है तो पोटेंशियल भी होगा प्लस का, वी वन इज द पोटेंशियल, क्योंकि चार्ज प्लस है तो पोटेंशियल भी प्लस हो जाएगा। जब इसके नजदीक एक और मेटल की प्लेट आप रख दोगे, यहां बीच में इंसुलेटर है क्या कुछ भी हो सकता है, ये मेटल की प्लेट रख दी और ये जो कनेक्शन है बेटा इसका मतलब क्या ग्राउंड, क्या ये ग्राउंडेड हो रही है, ये मेटल की प्लेट रख रखी है ग्राउंडेड है। आपने देखे होगा इसका एग्जाम्पल कि जो आपने तो बिजली आती है तो एक तार क्या होता है अर्थ का, समझ गए, हमारे कंडेंसर का भी जो एक कंडेंसर पंखे में डाले बेटा वो भी किसके साथ कनेक्ट है अर्थ के साथ, क्योंकि बिजली कहां आ रही है बाहर से आ रही है, तो एक तो पॉजिटिव है बेटा, ठीक है, और पॉजिटिव किसके साथ है अर्थ के साथ है। तो क्या होगा यहां यदि प्लस का चार्ज है तो इक्वल नेगेटिव पावर बन जाएगा इसके केस में, इसमें अंदर वाले केस में यहां इक्वल नेगेटिव ड्यू टू इंडक्शन इक्वल नेगेटिव यहां बन गया बेटा, इक्वल पॉजिटिव यहां बन जाएगा इक्वल पॉजिटिव, लेकिन जब ये प्लेट हमने किसके साथ कनेक्ट रखी अर्थ के साथ तो सारा पॉजिटिव कहां चल जाएगा अर्थ में, अर्थ में चलेगा तो इसका सिर्फ कौन सा बच गया माइनस का चार्ज और इसका प्लस का चार्ज, जब माइनस का चार्ज है पोटेंशियल भी क्या होगा नेगेटिव होगा, क्या होगा बेटा नेगेटिव होगा, तो यहां जो इसका पोटेंशियल है क्या हो जाएगा नेगेटिव मीन डिक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो डिक्रीज क्यों हुआ डिग्रीज, तो सारा ओ देखो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है डिग्रीज, मान लो ये प्लेट ए है इसका पोटेंशियल बी ए, ये प्लेट बी है पोटेंशियल बी बी, तो ये माइनस का चार्ज है बेटा यहाँ, तो माइनस का चार्ज इसकी वजह से तो आया, वजह तो यही है, तो इसका मतलब है माइनस का चार्ज है पोटेंशियल भी क्यों हो जाएगा माइनस, तो नेट पोटेंशियल क्या होगा वी ए माइनस बी बी, तो
तो ये क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस. क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस. और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा, किसके प्लेटों के बीच में? प्लेट्स के बीच में, बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर. भाई 2 वोल्ट का, 3 वोल्ट का, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है. तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा बेटा? कम होगा. इसको ज्यादा रखने के लिए हम क्या करेंगे? और ज्यादा चार्ज देने पड़ते हैं हमें. फिर से चार्ज देंगे प्लस के. देखिए पहला काम क्या बेटा इसमें, सबसे पहले तो दो मेटल की प्लेट्स हैं, कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, ठीक है, और एक प्लेट को क्या देंगे हम? प्लस का चार्ज. कब तक देते रहेंगे? जब तक इसका पोटेंशियल क्या नहीं हो जाता? मैक्सिमम. क्या नहीं हो जाता बेटा? मैक्सिमम. आप इसका एग्जांपल ले लो बेटा. कहां से? आपने एक बाल्टी रख दी, टूंटे के नीचे खोल दी, वह बाल्टी भर दी, तो मैक्सिमम आ गया. उसके बाद भी आप उन्हें खोल कर रखोगे तो क्या होगा? ओवरफ्लो मीन्स लीकेज ऑफ वाटर. तो ये क्या होगा? लीकेज ऑफ चार्ज. ये कहता है कि द पॉजिटिव चार्ज गिवन टू प्लेट ए सच दैट इट्स पोटेंशियल बिकम मैक्सिमम एंड नो फर्दर चार्ज गिवन. फालतू चार्ज नहीं देना है. क्यों? बिकॉज टू अवॉइड द लीकेज ऑफ चार्ज. ठीक है, मैक्सिमम हो गया. लेकिन जैसे ही हमने दूसरी मेटल प्लेट रख दिया इसके नजदीक, तो इसके इंटीरियर पर तो क्या बन गया? नेगेटिव. इंटीरियर पे नेगेटिव बन गया, एक्सटीरियर पे पॉजिटिव. तो यो नेगेटिव जो है क्या करेगा? डिक्रीज करने की कोशिश करेगा. तो ये रखते हुए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? कम होगा. क्या चलेगा बेटा? कम आएगा. समझ गए ना? क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा प्लस और ये माइनस, तो इसका मतलब क्यों होगा? हमने पढ़ रखा जो चार्ज पैदा होता है ड्यू टू इंडक्शन, पढ़ा रखा मैंने आपको, वो चार्ज क्या होता है बेटा? वो कम होता है और इक्वल हो सकता है किसके? इंड्यूसिंग के, जिसने उसको पैदा किया. समझ गया ना? तो पोटेंशियल कम होगा, तो इसका मतलब पोटेंशियल को मैक्सिमम करने के लिए इसको और ज्यादा चार्ज देंगे. हम क्या देंगे? और ज्यादा चार्ज देंगे, ताकि पोटेंशियल डिफरेंस हो जाए, मैक्सिमम पोटेंशियल ज्यादा हो जाए. ठीक है. अब इसमें क्या बेटा एक बात याद रखना, सबसे मेन क्या पढ़े आपने कि टोटल दो सीट होगी देखनी. एक पर प्लस का चार्ज रखता है, अभी कॉपी का आपने पढ़ भी रखा, एक पर प्लस और एक पर माइनस हो तो. अरे नहीं भाई, डाइपोल ये तो सीट है, प्लेट है. टू प्लेन सीट ऑफ चार्ज, एक पर प्लस था एक पर माइनस, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ यही थी बीच में, सिर्फ बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड थी. वो क्या थी? ई बराबर है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, यूनिफॉर्म फील्ड होती है. कैसी होती है? यूनिफॉर्म फील्ड. तो कैपेसिटर की प्लेट के बीच में हमेशा ही क्या होगी? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. मैंने आपको कराया था ये टॉपिक कि कैपेसिटर की प्लेट जो आपके घर के अंदर बैटरी है, बैटरी के जिसमें आप पानी डालते हो, वो क्या है? कैपेसिटर है. एक तरह से सारे कैपेसिटर है. सारे क्या कर रहे हैं? एनर्जी स्टोर करते हैं. और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन. ठीक है जी, कर लोगे ना? अब मेरे को ये बताओ टोटल चार्ज होने कैपेसिटर कितना है? कैपेसिटर तो ये हो गया दोनों प्लेटों में, तो टोटल चार्ज कितना कैपेसिटर का? टोटल चार्ज ऑन ए कैपेसिटर, कैपेसिटर पे टोटल चार्ज कितना बेटा? जीरो, क्योंकि यो प्लस के और यो माइनस. टोटल चार्ज कितना रहेगा? जीरो. ठीक है. अब लेकिन बेटा इसमें जो है आपने एक बात ध्यान रखनी है बस, सिर्फ वो क्या है कि सबसे मेन क्या है कैपेसिटर का? कभी भी देखना हम पंखे में सिर्फ एक ही तार लावे, कंडेंसर जब लगाने आता है मिस्त्री तो एक तार लगाता है बेटा, दूसरा उसमें लगाता है पंखे में लगता है, बिजली में एक लगेगा बेटा. बस क्यों लगता है? क्योंकि सिर्फ हम क्या देंगे? पॉजिटिव चार्ज देंगे. क्या देंगे? हमें क्या देना है? पॉजिटिव. क्या देना है? पॉजिटिव चार्ज देना. तो इस प्लेट पर ड्यू टू इंडक्शन का था मैं, ड्यू टू इंडक्शन का. क्लियर है? आप सुनो ध्यान से, आप जितना चार्ज देते हो तो उतना ही क्या होगा? मैंने क्या बोला था? पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा. इस पोटेंशियल डिफरेंस को ज्यादा कर हम क्या देंगे? और ज्यादा चार्ज देंगे. इट मीन जो पोटेंशियल है बेटा, जो आप चार्ज देने लग रहे, ये बात आपने पहले पढ़ रखी, एक सेकेंड, जो पोटेंशियल है वी बराबर है 1/4 πε किसी का, किसी भी प्लेट, किसी भी कंडक्टर का पढ़ रखा है, वी बराबर 1/4 πε r³ ये पढ़ रखा है. किसी भी कंडक्टर का, मान लिया कंडक्टर है, इसकी रेडियस तो फिक्स है, फिक्स है. सिर्फ इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा या मिनिमम होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, किसके ऊपर डिपेंड करता है? चार्ज के ऊपर. इट मीन V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू. V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू. तो आपने सिर्फ ये कंसेप्ट याद रखना बेटा
कि जो पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके चार्ज के। तो आपने सिर्फ इसका उल्टा करना है, क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। क्या करना है, क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, कि अमाउंट ऑफ द चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस दो प्लेटों के बीच में, यहां तो ये वाला कंसेप्ट चल जाएगा कि चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, लेकिन यहां जो है बेटा हम प्लेट तो एक ही दे देंगे, एक ही देना, तो यहां जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस कि चार्ज गिवन टू ए प्लेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। अब इसमें हटा हो गए इसमें, तो फैराडे ने क्या किया, जब इसको हटाया तो उसने क्या लगा दिया, एक सी लगा दिया, सी नाम का एक कोई भी अल्फाबेट यूज करेगा, सी फॉर कैपेसिटर कैपेसिटेंस, सी हेयर फॉर कैपेसिटेंस, दैट इज नॉट डायरेक्ट, ये क्या बच्चों प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है, क्या प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, एंड दैट सी, ये सी ही क्या बेटा कैपेसिटेंस है, क्या बेटा यो कैपेसिटेंस, तो ये जो सी है बेटा ये कैपेसिटेंस है, क्या कहां तक करोगे, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, तो क्या बराबर है सी, तो बेटा क्या इज इक्वल टू सी बी, यहां पर आप सी निकाल दो, व्हाट इज सी, किसकी रेशो है चार्ज गिवन टू ए, गिवन टू ए प्लेट ऑफ कैपेसिटर टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, क्या रेशो है, अरे द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, भाई किसी भी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है क्या होगी, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर is defined as the ratio of charge given to the, as the ratio of the charge given to plate of the capacitor, given to plate of capacitor, given to plate of capacitor to the mean of ratio mein aage to the potential difference, to the potential difference, ये आपकी डेफिनेशन बन जाएगी बेटा टू द पोटेंशियल डिफरेंस। नमस्कार सर, फीस है आज आपकी, हाँ तो लेकिन अभी कंफर्म है, मैं बाद में जमा करा दूंगा। बेटा आगे डेफिनेशन या देखिए क्या दो कि भाई यदि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, एक वोल्ट कितना होता है, एक वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाए, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब बेटा कि 15 वोल्ट का कितना करता है 16, हम इतना चार्ज दे रहे हैं कि कितना हो जाए 16, तो डिफरेंस कितना हो गया, एक वोल्ट, तो अमाउंट ऑफ, देखो जब एक वोल्ट हो गया किसके बराबर आ जाएगा, सी सी बराबर क्या हो गया, क्यों कब, जब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाए, वन वोल्ट, कितना वोल्ट हो जाए, एक वोल्ट हो जाए बीच में, तो क्या लिखोगे, द कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज, बराबर कर दिया ना, एज द अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन टू प्लेट ऑफ कैपेसिटर सच दैट देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, पोटेंट हम इतना चार्ज दें ताकि उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाए, 1 वोल्ट हो जाए, तो जो आपने चार्ज दिया है वो चार्ज क्या क्या लाएगा, कैपेसिटर, क्या क्या लाएगा, क्लियर है, एंड कैपेसिटेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है बच्चों, और इसका अभी जो है किसी भी कैपेसिटी की जो कैपेसिटेंस है वो अभी करते हैं बेटा, देखिए ये टॉपिक का जनरेशन कहां था हुआ, इस टॉपिक का जो जनरेशन है बेटा वो है क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, ये याद रखना, इसीलिए हमेशा याद रहेगा क्यों इज इक्वल टू सी, ये याद रहेगा, सी इज द कैपेसिटेंस, क्यों इज द चार्ज, एंड बी इज द प्लेट ऑफ दी कैपेसिटर, हो गया। अब बच्चों यहां जो है ये कहता है डेफिनेशन देने के बाद हम कैपेसिटेंस जो होता है बेटा कोई भी किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड, देखिए नाम का दिखाई तो ये दे रहा है कि सी जो है डिपेंड ऑन, देखिए यहां सी बराबर क्यों जरा क्यों बटे वी हो गया, सी लगता है कि डिपेंड करता है चार्ज के ऊपर, डिपेंड करता है वी के ऊपर, लेकिन नहीं इनके ऊपर डिपेंड नहीं करता सी, किसी भी कैपेसिटी की जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड करती है बेटा शेप साइज डायमेंशन एंड मीडियम, देखिए कैसे कि सी बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ये होता है बेटा एप्सिलॉन
नॉट ए बाय बाय डी। ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बेटा, ए क्या बेटा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो प्लेट है, जो उसकी मेटल की जो प्लेट थी उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। डी क्या बेटा? डी इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। क्या बेटा? सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, उन प्लेटों के बीच में सेपरेशन है बेटा। ये क्या है? मीडियम। क्या मीडियम अंदर क्या उनके बीच में? क्लियर है? प्लेटों के बीच में मीडियम। तो शेप साइज एंड डायमेंशन एंड मीडियम, शेप साइज डायमेंशन एंड मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है कैपेसिटेंस। अब बेटा कैपेसिटेंस की इकाई क्या थी? फैरड। क्या थी? फैरड। तो वन फैरड यहां से उसी से क्या बराबर है? सीवी। सी बराबर है क्यों बटे बी। कैपेसिटेंस क्या कर आएगी? वन फैरड। कब? जब कितना चार्ज? वन कूलम्ब का चार्ज। कितना पोटेंशियल बना दे? The unit of capacitance is said to be 1 farad. The unit of capacitance is said to be 1 farad if there is a 1 volt potential difference between the plate of the capacitor exist by giving a charge of 1 coulomb. भाई यदि 1 coulomb का चार्ज देने से potential difference कितना हो जाए? 1 volt हो जाए, then the capacity of the capacitor is said to be 1 farad. द कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर इज सेड टू बी 1 farad इफ देयर इज ए 1 volt पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर ऑन गिविंग ए चार्ज ऑफ 1 coulomb। भाई 1 coulomb चार्ज देने से कितना पोटेंशियल डिफरेंस बन जाए? 1 volt का। देन द कैपेसिटेंस इज सेड टू बी 1 farad। और इसकी जो छोटी यूनिट है बेटा सीजीएस यूनिट क्या आया हुआ है? मिली फैरड, माइक्रो फैरड, मिली फैरड, ठीक है, पीको फैरड भी हो सकती है। माइक्रो फैरड का होगा 10^-6 farad, मिली का 10^-3 farad और पीको का 10^-12 farad। ये मतलब होता है छोटी यूनिट से कैपेसिटर की। क्लियर है? अब कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है उसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? तो उसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा बेटा? आप लिख सकते हो बिल्कुल सिंपल। क्या होगा अगर क्या पढ़े आपने? सीवी। सी बराबर है क्यों बटे बी। तो बेटा चार्ज का तो पड़ रखा है एटी, चार्ज का तो एटी होगा, लेकिन वो पोटेंशियल का तो कोनी, पोटेंशियल का तो आपने पढ़ रखा कि डब्लू बटे में क्या हूं? क्या होता है बेटा? पोटेंशियल। क्या होता है बेटा? पोटेंशियल। तो इसकी जगह क्या जगह? डब्लू बाय क्या हूं? तो यहां जगह क्यू स्क्वायर मीन ए स्क्वायर टी स्क्वायर। डब्लू क्या होता है बेटा? वर्क, वर्क का एल टू टी माइनस टू, बेटा ऊपर गया टी की पावर 4। सो एम माइनस 1, एल माइनस 2 और टी की पावर 4, ए की पावर 2। ये किसका डायमेंशन फार्मूला बेटा? कैपेसिटेंस। किसका है? कैपेसिटेंस, कैपेसिटी या कैपेसिटेंस का। ओके, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, 1 farad भी कर लिया आपने, ये टॉपिक पढ़ चुका, ठीक है, कर लोगे ना?